hello and welcome you all to motivation joe's channel it is not just a channel made for motivation instead of this this channel is relevant to our studies the session will be bilingual that is hindi as well as english hindi or english me dono me in this channel i'll provide you two different videos relevant to our syllabus one will be the most important daily 20 general awareness questions and another will be 20 current affairs session as you have already read the thumbnail that today is a uh, session of current affairs so let's just start i hope you will you would love to give your 100% and your 100% support thank you now coming to the first question that uh, pm narendra modi has inaugurated uh, the pandit dinyalupadhyaya institute of archeological in pest city as we are Definitely known by RPM. That is Narendra Modi Narendra Damodar Das Modi uh, uh, It held in greater noida uh, The answer is greater noida uh, uh, a Brief about greater noida that is um, Here greater in greater noida. The airport is going to be made that is Javar Airport Coming back to the next question who has got the champion of earth award it is a very very irrelevant question to the previous one that the champion of earth award goes to narendra modi for solar airport in kochi uh, can you guess that who is the second person that all uh, that get the champion of earth award he is emmanuel macron france prime minister emmanuel macron emmanuel macron Got the Champion of Earth Award, and Champion of Earth Award is given by uh, Bill Gates Foundation, and Mark Zuckerberg. Coming to the six uh, options, Mark Zuckerberg is a Facebook founder, and Jeff Bezos is a CEO of Amazon. Now the next question is brand ambassador of Vivo. The brand ambassador of Vivo is very very known that he is Amir Khan. Now coming to the uh, next. Uh, ऑप्शनस दैट आलिया भट्ट कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शंस दैट आलिया भट्ट इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आलिया भट्ट इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नोकिया कंपनी दैट इज़ नोकिया कंपनी एन ओ के आई ए नोकिया कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट हैं और हम लोग दूसरे ऑप्शनस पे आते हैं अमिताभ बच्चन ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ये वन प्लस के हैं वन प्लस एक बहुत ही अच्छा मोबाइल उमदा मोबाइल होती है जो अपने परफेक्शन के लिए जानी जाती है वन प्लस वन प्लस ठीक है और दीपिका पदुकोन के बारे में जान लीजिए दीपिका पदुकोन ओप्पो की हैं दीपिका पदुकोन ओप्पो की हैं ब्रांड एम्बेसडर और शाओमी के कौन हैं आप लोग जानते होंगे श्याओमी के हैं सेकंड सर श्याओमी के हैं रणवीर सिंह रणवीर सिंह श्याओमी कंपनी के हैं ब्रांड एम्बेसडर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट द वेलवेट ग्लोब्स बुक इज रिटन बाई द वेलवेट ग्लोब्स बुक इज रिटन बाई वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज इट इज बाल कृष्ण कमरनाथ बाल कृष्ण कमरनाथ इज़ अ फॉर्मर आरबी ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर एंड कमिंग टू द नेक्स्ट options दैट इज़ अमिताभ घोष अमिताभ घोष हैज़ रिटन गन Island उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है गन आइलैंड अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गन आइलैंड के बारे में गन आइलैंड के लेखक थे वो और हम लोग मन आ, क्या बोलते हैं इस इस पे आते हैं मनोहर मनोज पे मनोहर मनोज ने करप्शन करप्शन बुक लिखा है ठीक है और नवीन चावला के बारे में आप लोग जान लीजिए नवीन चावला लिखे हैं Uh, देखिए मनोहर मनोज हमने करप्शन बता दिया लेकिन इसका फुल मतलब पूरी तरह होगा अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ठीक है इनकी बुक के नाम है मनोहर मनोज की बुक के नाम क्रूसेड अ अक्रूसेड अगेंस्ट करप्शन ठीक है A Crusade, A Crusade और नवीन चावला वेरी वेरी फेमस बुक ही हैज़ रिटन दैट इज एवरी वोट काउंट्स एवरी वोट काउंट्स के लेखक कौन है तो ये है नवीन चावला अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज़ कोकोनट वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया गया तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है बहुत ही सिंपल से आप जानते हैं ये क्वेश्चन को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया था सेप्टेम्बर टू को दैट इज सितंबर टू वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है सितंबर टू को इसका आंसर था बालकृष्ण कमरनाथ सेप्टेम्बर टू को अच्छा इसका थीम क्या था वर्ल्ड कोकोनट डे का बहुत ही अच्छा इसका थीम था कोकोनट फॉर फैम फैमिली वेलनेस डेट इज़ कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस ठीक है अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस पे आते हैं दैट इज़ विराट द मेकिंग ऑफ अ चैम्पियन बुक इज रिटन बाय कमिंग टू द ऑप्शंस दैट द विराट द मेकिंग ऑफ ए चैम्पियन बुक इज़ रिटन बाई ऑप्शन है नीरज चोपड़ा विधांशु कुमार पी चिदम्बरम और ए और बी दोनों ठीक है तो हम लोग इसके आंसर बहुत अच्छे से वाकिफ हैं इसका आंसर है नीरज चोपड़ा एज वेल एज़ विधांशु कुमार तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दैट इज़ एंड बी बोथ पी चिदम्बरम के बारे में भी एक किताब थी पी चिदम्बरम की Uh, उन्होंने लिखा था अभी मेरे को ध्यान में नहीं है पर उनकी भी एक किताब आई थी आई गेस आई एम नॉट जस्ट रिमेनिंग इट आई आल डिस्कस इट लेटर मैं बाद में बता दूंगा इसका और हम लोग इधर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है दस सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया था दस सितंबर को और इसका थीम था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड That is working together, working together, together to prevent suicide. To to prevent suicide. Working together to prevent suicide इसका था आ, थीम ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नोट्स ऑफ अ ड्रीम इज रिटन बाई नोट्स ऑफ अ ड्रीम अ बायोग्राफी ऑफ ए आर रहमान इज रिटन बाई ही इज़ वेरी वेरी फेमस दैट इज़ कृष्ण त्रिलोक कृष्ण त्रिलोक इज़ द राइट आंसर कृष्ण त्रिलोक अच्छा चेतन भगत के बारे में जान लीजिए चेतन भगत तो बहुत सारे बुक्स के राइटर हैं हमेशा उनकी बुक बुक्स पब्लिस्ड होती हैं और बेस्ट सेलर के गिनती में आती हैं और चेतन भगत ने लिखा है हाफ गर्ल फ्रेंड ठीक है अभी आते हैं रुचिर शर्मा दैट इज़ रुचिर शर्मा ने भी कोई किताब लिखा है मैंने ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिए हैं ऑप्शन दिए हैं मैंने सोच समझ के तो रुचिर शर्मा ने लिखा है डेमोक्रेसी ऑन रोड डेमोक्रेसी ऑन रोड ऑन रोड डेमोक्रेसी ऑन रोड इज रिटन बाय रुचिर शर्मा नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हाँ रुचिर शर्मा हो गया अब आते हैं सलमान सैटनिक वर्सेस इट इज अ वेरी वेरी फेमस बुक इज रिटन बाय सलमान रश्ती अच्छा सीआरपीएफ के हेड कौन है नेक्स्ट क्वेश्चन है तो सीआरपीएफ के हेड हैं राजीव राय भटनागर। राजीव राय भटनागर इज़ द आंसर एंड ही इज द सीआरपीएफ हेड सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मुकुंद नरवणे वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन इंडियन आर्मी के हेड हैं मुकुंद नरवने बिपिन रावत के बारे में आए आते हैं ही इज़ दी फर्स्ट सी और अजीत डोवाल हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अज, अज, अजीत डोभाल और हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच कंट्री इज़ गोइंग टू ज्वाइन इंडियाज़ चाइनाज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव डिस्पाइट ऑफ यू एस ऑब्जेक्शन यू एस के मना करने के बावजूद चाइना बेल्ट को कौन जोड़ रहा है चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कौन मान रहा है मतलब उसके साथ मिल रहा है दैट इज़ इटली इटली की कैपिटल क्या है इटली कैपिटल है रोम और उसके पी एम है जोसेफ़ कॉन्टे जोसेफ़ क्वान्टे इटली के पी एम हैं पी एम कौन है इटली के जोसेफ कॉन्टे अभी आप लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं इटली में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं कोविड से कोरोना वायरस इन्फेक्टियस डिजीज से सबसे ज़्यादा मौतें इटली में ही हो रही हैं लेकिन सबसे इन्फेक्टेड कंट्री अभी तक की है तो वो है यू एस ए एक लाख अट्ठासी हज़ार पार कर चुका है अप्रोक्स दो लाख होने वाला है थोड़े ही समय में अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओ ई सी डी दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनमिक कारपोरेशन एंड डेवलपमेंट ओ ई सी डी हेडकोार्टर है कहाँ ओ ई सी डी हेडक्वाटर इज इन पैरिस ठीक है ओ ई सी डी हेडक्वाटर कहाँ है पैरिस में ओ सी डी का हेडक्वाटर कहाँ है इट इज़ इन पैरस सो द आंसर इज़ पैरिस आंसर इज़ पैरिस ठीक है रोम किसकी कैपिटल है रोम हम लोग जानते हैं इटली की कैपिटल रोम है और कोपेनहेगन हैगन डेनमार्क की कैपिटल है विक्टोरिया सशल्स की कैपिटल है ठीक है विक्टोरिया सेशल्स की कोपेनहेगन हैगन डेनमार्क रोम हो गया इटली पेरिस कहाँ का है पेरिस है ओई ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका हेडकोर्टर का है पेरिस में रोम का बता दिया गया कॉपन हैगन एंड विक्टोरिया ठीक है एफ ए टी एफ एफ ए टी एफ का फुल फॉर्म क्या होगा तो एफ ए टी एफ का फुलफॉर्म होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स दैट इज़ ऑप्शन सी ठीक है सी इसका आंसर होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु इज द करंट एन जी टी दैट इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एन जी टी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसके हेड कौन हैं अभी इसके हेड हैं आदर्श कुमार कुमार गोयल ठीक है इसका आंसर होगा बी आदर्श कुमार गोयल ठीक है एम आर कुमार कौन है ये है एल आई सी के चेयरमैन एम आर कुमार कौन है एल आई सी के चेयरमैन है ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एस के दास आप जानते हैं शशिकांत दास वो बहुत ही फेमस आर बी आई के गवर्नर हैं फॉर्मर गवर्नर कौन थे रघुराम जी राजन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच कंट्री हैज़ लॉन्च दी इट्स फर्स्ट कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स फॉर इट्स सिक्योरिटी पर्सनल कौन सा ऐसा देश है जो कॉम्बैट कैजुअलिटी ड्रग्स लॉन्च करा है अपने सिक्योरिटी पर्पस के लिए यह है नन अनदान ही इट इज़ इंडिया इंडिया इन इंडिया के डी सेक्शन ने इसका यूज़ करा है डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसरो का इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ठीक है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु हैज़ गॉट द अशोक चक्र इन टू थाउजेंड नाइन्टीन अशोक चक्र टू थाउजेंड नाइन्टीन में मिला है नज़ीर अहमद वानी को इट इज़ ऑप्शन बी नज़ीर अहमद वानी को टू थाउजेंड नाइन्टीन में अशोक चक्र मिला है और टू थाउजेंड एटीन में किसी को मिला है अशोक चक्र दैट इज़ ज्योति प्रकाश निराला टू थाउजेंड एटीन में मिला है ज्योति प्रकाश निराला को ठीक है और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज़ इंडिया पॉजिटिव इज रिटन बाई इंडिया पॉजिटिव इज रिटन बाई चेतन भगत नन अनदर दैंड चेतन भगत वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी एंड द बेस्ट बुक सेलर गोज़ टू चेतन भगत बताया था मैंने इसके जस्ट पहले भी हाफ गर्ल फ्रेंड बहुत सारी और किताबें हैं जो चेतन भगत के द्वारा लिखी गई हैं नवीन चावला दैट इज़ एवरी वोट काउंट्स इज रिटन बाई नवीन चावला ठीक है और मलला यूसुफई मलला यूसफई की भी एक किताब थी मेरे को ध्यान नहीं आ रही है बहुत फेमस थी हाँ वी आर डिसप्लेस्ड वी आर डिसप्लेस्ड इज रिटन बाई मला यूसफई वी आर डिसप्लेसड मतलब हम लोग थोड़े अलग हो गए हैं दूर हो गए हैं वी आर डिसप्लेसड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक इज़ बैन फ्रॉम सेकंड ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन विच एयरलाइन दो अक्टूबर से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन प्लास्टिक को बैन करा गया किस एयरलाइन में इसका ऑप्शन है बहुत ही फेमस हम लोग का सरकारी विमान दैट इज़ एयर इंडिया एयर इंडिया में ये बैन कर दिया गया ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड विनर फॉर यू ई एफ ए चैम्पियनशिप लीग कैंपेन किसने जीता चारों ऑप्शन आप देख लें रोजर फेडरर जो वैकनोकोबिच वैन डिजिक या जेसी कॉम्स इसका आंसर है वैन डिजिक इट इज़ वैन डिजिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री इज रिटन बाय इट इज़ वेरी वेरी फेमस बुक रिटन बाय पीटर बेकर इट इज़ वेरी वेरी फेमस बुक रिटन बाय पीटर बेकर विच स्टेट हैज़ लॉन्च दॉ वर्क टू वर्क फ्रीडम वर्क टू वर्क कम्पेन दैट इज इट इज रिटन बाई इट इज बीन लॉन्च बाई मेघालय स्टेट अभी गुवाहाटी में क्या हुआ है गुवाहाटी में हुआ है खेलो इंडिया इन, यूथ गेम और वेस्ट बंगाल में आप जानते हैं हाफरा ब्रिज है उड़ीसा में अभी सबसे ज़्यादा अस्पताल मतलब एक हज़ार बेड का अस्पताल बनाया जाएगा पंद्रह दिनों के अंदर में अभी वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है ये तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आई होप यू वुड लव टू परफॉर्म एंड गिव यू हंड्रेड परसेंट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट